आप सबका नैनाज रेसिपीज़ में स्वागत है। आज मैं एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, शेजवान पनीर पास्ता। हम पास्ता हमेशा वाइट सॉस नहीं तो रेड सॉस में बनाते हैं, नहीं तो वाइट और रेड सॉस मिक्स करके पिंक सॉस में बनाते हैं, लेकिन आज मैं शेजवान पनीर पास्ता सिखाने वाली हूँ। मैंने पास्ता को चाइनीज सॉस में बनाया है और इसमें पनीर भी ऐड किया है। आजकल मार्केट में सूजी के पास्ता, गेहूं का पास्ता भी मिलता है, तो आप गेहूं का पास्ता लेंगे, सूजी का पास्ता लेंगे तो एक हेल्दी ऑप्शन है। पास्ता में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और पनीर में प्रोटीन्स, तो एक परिपूर्ण मील है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये शेजवान पनीर पास्ता। मैंने यहाँ पानी बॉईल करने के लिए रखा है। हम उसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। हमारा पानी उबल गया है, हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 100 ग्राम तक पास्ता लिया है। हमारा पास्ता उबल रहा है। मैंने यहाँ कुछ वेजेस ली हैं, ओनियन, स्प्रिंग ओनियन, लहसुन, टोमेटो, फरसी, ग्रीन कैप्सिकम। हम इसे 7-8 मिनट तक उबालेंगे। फ्रेंड्स, डिटेल रेसिपी के लिए आप मेरा पास्ता इन वाइट सॉस वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, हमारा पास्ता रेडी है, इसे हम कट करेंगे। ये आसानी से कट होगा, इसका मतलब ये कुक हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे दिखना है, अंदर से वाइट दिखता है तो ये कुक हुआ है। अब हम इसे छानेंगे। हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, इससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है। अब हम सब्जियां कट करेंगे, सब सब्जियां बारीक कट करेंगे। टोमेटो को मिक्सी के जार में डालेंगे, हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। टोमेटो में विटामिन सी है तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। हम पैन में ऑयल डालेंगे, आप चाहिए तो बटर डाल सकते हैं। कटा हुआ लहसुन डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, अच्छी तरह सौते करेंगे। स्प्रिंग ओनियन डालेंगे, गाजर डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कैप्सिकम डालेंगे, फरसी डालेंगे। फ्रेंड्स, सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, इन्हें क्रंची ही रखना है। कटा हुआ स्प्रिंग ओनियन डालेंगे। फ्रेंड्स, कितनी कलरफुल दिख रही है ये सब्जियाँ। चिली सॉस डालेंगे, शेजवान सॉस डालेंगे, थोड़ा रेड चिली सॉस डालेंगे। वन टीस्पून तक सोया सॉस डालेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम चाइनीज सॉस में पास्ता बना रहे हैं। टोमेटो प्यूरी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सच में बहुत टेस्टी बनता है ये पास्ता। टोमेटो प्यूरी को अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें सॉल्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें संभल के सॉल्ट डालना है क्योंकि हमारे चाइनीज सॉस में बहुत सॉल्ट होता है। अब हम बॉइल्ड पास्ता डालेंगे। मेरे चैनल पे पास्ता की रेसिपी है। कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं ये कलर के लिए डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। कॉर्नफ्लावर की पेस्ट डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इससे हमारी ग्रेवी थिक बन जाएगी। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही कच्चा पनीर डाला है। आप चाहिए तो इसे शैलो फ्राई करके डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, रेडी है आपका टेस्टी यम्मी यूनिक शेजवान पनीर पास्ता। अब हम इसे स्प्रिंग ओनियन से गार्निश करेंगे। थोड़ा चीज डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना यम्मी? बड़े बच्चे सबको पसंद आता है ये पास्ता। अभी कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। कैसा बना है कमेंट्स में बताइए। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन विथ ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। मेरे वीडियोज आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।